दोस्तों अज आप गल करांगे दाज की। दाज की हुंदा है? पुराने समय च जिन्ना को भी आप सुनिया या पढ़िया देखिया कि माँ बाप अपनी धी नूं विआह दे टाइम कुछ ना कुछ कोई गहना कोई घर का समान है ना भांडे बिस्तरे ये दे दिंदे सी कि उन्हें अपनी गृहस्थी बसानी है। लेकिन हौली 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 करद्या 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 ये दाज रूपी दानव बन गया। लोगों ने चाहे किसी को ताकत है देने की चाहे नहीं है डिमांड की जाती है बहुत सारे लोगों वालों कि सानू फला फला चीज चाहिए है सानू गड्डी चाहिए जी वाशिंग मशीन चाहिए है जी टीवी फ्रिज ये वो। अच्छा जे नहीं देंगे तो फिर बहू नूं सताया जाता है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ईवन बहुत सारे हजारां केस ऐसे ने कि उन्होंने जला के मारा जाता है या उन्होंने फाहे ला दिता जाता है या बहुत तरह के तसीहे उन्होंने दिते जाते हैं। अच्छा बहुत बार लड़कियां अपने परिवार नाल या रिश्तेदारों नाल गल कर लेंदियां लेकिन बहुत सारिया लेडीज़ देखिया सी कि वह कुछ बोलदिया नहीं वह कहते चलो अज नहीं कल ठीक हो जाएगा कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा लेकिन यह चीज़ रुकने का नाम नहीं लेंदी। अच्छा बड़े माँ बाप जिहड़े गरीब हुंदे ने बेचारे वह कितों ना कितों कर्जा फट के या किसी तरह लड़की का विआह करते हैं ठीक है। जे उस वेले दाज नहीं भी दिता गया या कुछ माड़ा मोटा घट दिता गया तो बाद दे विच वह अपना पेट कट के किसी भी तरीके नाल वो थोड़ा थोड़ा करके वो दे ही जाते हैं सत्त फिर बुझा दें कि जा भाई दाज घट दिता सी होर लैके आ पैसे लेके आ कदे टीवी लैके आ कदे कुछ होर लैके आ है ना। ये गल कोई वधिया गल नहीं है। देखो लड़कियां और लड़के सब दे घर होंदे ने सब ने अपनी धी व्याहनी हुंदी है। अच्छा बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि जदों तो बहू लियानी है उदों तो रज के दाज मंग लो तो जो अपनी धी व्याहनी है फिर वो कहते जी की फर्क पैंदा जी असी तो कुड़ी देती तो सब कुछ देता ये दोगली नीति हो जाती है। अच्छा बहुत सारे लोग तुसी देखो इन्ना सिंपल विआह करते हैं चाहे वह पैसे वाले हो चाहे गरीब वो पहले ही गल खोल लेंगे भी देखो जी सानू तो लड़की चाहिए है सानू थोड़े तो एक रुपया दाज का नहीं चाहिए बिल्कुल सिंपल विआह चुन्नी चढ़ा के लियाना या कोई दस ग्यारह बंदे जाके वो लड़की नूं लैंदे। देखो चाहे तुसी करोड़ रुपया खर्चो चाहे तुसी हजार रुपया खर्चो चाहे बिल्कुल ना खर्चो रहना तो उन्हें दोनों जिया नहीं है। असी पांच छे घंटे की तौर पिछे लखां करोड़ां रुपया बर्बाद करते हैं। हुण लॉकडाउन विच भी तो लोगों ने विआह किए ने किन्ने सिंपल विआह किए चार बंदे फैमिली दे गए तो बहू नूं लिया है। ये विआह इसे तरीके ना होना चाहिए जिन्हें धी देती उन्हें सब कुछ देता लोग ये गल सोचते ही नहीं। तुसी एक गल सोचो किसी के देन नाल कदे किसी का कुछ बनया नहीं बनया कदे नहीं बनया। हुण देखो एक वायरल वीडियो ध्यान नाल ये बाप पुत बन रखे ने कुड़ी वाले ने होया ही होना कि फेरे तां होणगे पहला दाज दिओ कुड़ी वाले चुक जाते हैं कि कोई नहीं जी हुण नहीं है असी थोड़े दिनों बाद या एक साल च या छे महीने च तां दे दांगे। लेकिन नहीं एक फिल्म भी आई सी कि वह बरात लैके जाते हैं तो कुड़ी का सहुरा कहिंदा जे तुसीं दाज नहीं दोगे तो हम उठ जाएंगे। इस तरह की हरकत इन्होंने की होनी मैं तो यह लगता है भी जिमें ना बाप पुत नूं बिठाया होया इन्होंने कुड़ी वाले ने इन्हों शायद रोटी भी नसीब ना हुई हो ठीक है इन्होंने बरात भी कुटाई हो देखो लानता पै रही है कुड़ी वाले वालों। अगला कहता कोई नहीं कुड़ी का विआह असीं बाद च कर लाँगे घरे बिठा लाँगे लेकिन थोनू नहीं छड्डदे हो। इन्नी जिल्लत इन्नी बेइज्जती इन्हां दी हो रही है तुसीं ध्यान नाल देखो किवें आ लेडीज़ देख लो इन्हां नूं थू थू कर रही है इन्हां ते। दोस्तों ट्रकां दे पिछे भी लिखिया हुंदा है दुल्हन ही दहेज है और ये गल बिल्कुल सही है। असी जे अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल चलाना चाहते देखो एक जिहड़ी कुड़ी बहू बन के थोड़े घर च आती है वह अपना पिछे सारा कुछ छड के आती है। अच्छा घर के कहिंदे ने तू पराया धन है जो उत्थे जाने वो तो सहुरे परिवार वाले ने टिकन देंगे वो बेचारी जावे तो जावे कितने। बहुत सारी लड़कियां जॉब कर दिया ने कुछ घरे काम कर दिया ने कुछ हाउस वाइफ ने ठीक है मुंडे के माता पिता को संभालना पति को संभालना बच्चों को संभालना घर का सारा काम करना कि यह दाज नहीं है या वह पैसे कमा के लिया ने नौकरी करके कि वह दाज नहीं है या घरे कोई काम करते हैं सिलाई कटाई का कि वह दाज नहीं है। यार शर्म करो कुछ तो शर्म करो डुब के मर जाओ। आ देख लो हूँ जेडे इस वीडियो तुम हालात देख रहे हो जी इन्होंने आप भी कुट खाधी है बरात में भी कटवाया होना मिलना जरा रोटी भी नसीब नहीं हुई होनी ध्यान नाल देख लो। इस करके मुंह फाड़ के दाज ना मंगो। हाँ कदे हो जाता मैं इस पक्ष च नहीं है भी दाज दिता जाए या लिया जाए लेकिन चलो कोई गल नहीं कुड़ी की मां ने ना बहुत कुछ बना के रखा होंगे कुकर बना लिया प्लेटा कोलियां लै लिया दरिया बना लिया रजाइया लै लिया चादर लै लिया वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जोड़िया होंगे। हाँ जो अपनी खुशी ना वो कुछ देंगे ने तो गल ठीक है
फिर जे तुसी धक्का करना देख लो अगो उन्होंने भी धक्का करता बड़ा हौसला चाहिए है काम करने वास्ते अगले की कुड़ी घरे बैठ जाती है लेकिन तुसी ये देखो जे कुड़ी वाले ऐसा बिहेव मुंडे वाले नाल कर रहे ने ता किते ना किते उन्होंने बड़ी दिल से सट लगी होगी ता ये काम होंदे ने तो दोस्तों ये गल सीखने वाली है ये गल सानू ये सिखाती है कि दाज लेना और देना वैसे तो कानूनी जुर्म है दाज लो ही ना नहीं तो देख लो बरात भी कुटी गई होनी रोटी भी नसीब नहीं हुई आ दोनों बाप पुत बन के बिठाए हैं और लानता पै रही है उन्होंने हंसते रहो खुश रहो और देखते रहो एवन पंजाबी चैनल मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया मैं दस भी नहीं सकता पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले ढाई तीन महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो सिर्फ ढाई तीन महीने ये 125 बीमारियों तक के इलाज कर सकता है फी रिलीफ हमेशा याद रखो बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया मैं ये तेल तीन क महीने लाने अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो कितना कि असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लिव जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा